is a camera. Hmm? And let's say there is something written over here. Hmm? I want to let it come to me through this. And I record it using this camera, and this camera is vibrating all throughout. It is disturbed, heavily disturbed. Hmm? So this is the way I am recording it. Hmm? And then I look at the recording and I want to understand what is out there. I look at the recording and I want to understand what is there. Will I be able to understand anything? Will I be able to read that? No. That is the world. Hmm? That is the world. We look at the world through our yes, eyes bring it in, but we comprehend it through our mind. If my mind is disturbed and vibrating all the time, can I read the world? Can I read the world? Hmm? Yes, I can't. Yes, surely we can understand the other person. We can understand what's going on in the world. It is even possible to read the other fellow's thoughts. But before you can read the other person, first you have to be still. If you are not still, you will not be able to read what is going on there. Let this be still. If my mind, for example, at this moment is filled with my own tribulations, कहाँ क्या चल रहा होगा, ऑफिस में क्या हो रहा होगा, ये क्या गड़बड़ है, वो क्या गड़बड़ है, 1000 things of here and there, will I be really able to understand, Sukriti, what you are saying? अगर मेरे दिमाग में बहुत सारे और झंझट अभी घूम रहे हो, तो क्या मुझे कुछ भी समझ में आएगा तुम क्या कह रहे हो? नहीं आएगा ना. इसी तरीके से अगर तुम्हारे दिमाग में भी 10 चीज़ें और भरी हुई हैं और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दबा हुआ है उनके बोझ के तले, तो क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ? ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो हो रहा हो उसको समझ लिया जाए, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें साइलेंट होना पड़ता है, चुपचाप होना पड़ता है. हमको किसी भी चीज़ को चुपचाप देखना आता नहीं है. हमारी हालत करीब करीब ऐसी हो गई कि फूल के पास भी जाते हैं तो उससे पूछते हैं, तू ऐसा क्यों है? नहीं, पर्पस क्या है तेरे होने का? तू सक्सेसफुल है कि नहीं है? तुझे प्रॉस्पेरिटी किस चीज से मिलेगी? एंड देयर आर 1000 थॉट्स अबाउट द फ्लावर. देयर इज अनदर वे ऑफ जस्ट लुकिंग एट दिस और द वर्ल्ड, व्हिच इज टू बी साइलेंट and come close, and then you can read what is going on. Be silent and come close. If you want to know something, come close to it. By being away from it, you will not be able to know. To be disturbed is to be away from the present. Will you remember this? To be disturbed is to be away from the present. क्योंकि आप जब भी डिस्टर्ब होते हो, मन में जो भी थॉट चल रहा होता है वो अभी का तो हो नहीं सकता ना बेटा. थॉट तो एसेंशियली पीछे से आता है, पास्ट से. तो टू बी डिस्टर्ब्ड इज टू बी नॉट टू बी इन द प्रेजेंट. एंड व्हेन यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, व्हेन यू आर नॉट क्लोज टू द प्रेजेंट, हाउ विल यू रीड द प्रेजेंट? किसी आदमी के पास होने से, आमने सामने बैठने से तुम उसको थोड़ी जान पाओगे. तुम्हें चुप होना पड़ेगा. और चुप सिर्फ ये नहीं है कि होंठ नहीं चल रहे, हमारे होंठ नहीं भी चल रहे होते हैं तो मन में 1000 चीज़ें चल रही होती हैं. ठीक है? When you are still, then this will be able to see what is going on. When you are still, then this will be able to see what is going on. ठीक है? तो यहाँ पर भी घूम फिर के बात वही आ गई कि ध्यान अपने ऊपर ही देना है, किसी और के ऊपर नहीं देना है. HIDP में सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेटर है वो कौन सा है? कौन सा है? आई. अब आई को चाहे इंडिविजुअल बोल लो, चाहे मात्र आई समझो, और चाहे इंटरव्यू समझ लो, लेकिन है सबसे इम्पॉर्टेंट आई ही. तुम्हें दूसरों को भी समझना है तो ध्यान किस पे देना पड़ेगा?
आई पर. तुम्हें इंटरव्यू भी क्लियर करना है तो ध्यान किस पे देना है? इससे दूर कभी नहीं जा पाओगे क्योंकि ये तुम हो ही. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि दूसरे को समझना है. दूसरे को समझना है, खुद शांत हो जाओ. ठीक है, तो बुक को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? कई लोग कहते हैं पढ़ते बहुत है, नंबर नहीं आते. बुक को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? गिव योर सेल्फ एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ डिस्टर्बेंसेज. एज एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल आइडेंटिफाई योर डिस्टर्बेंसेज एंड कीप देम अ लिटिल अवे. और फिर देखो मजा. That's what I'm saying as the party of life, the grand carnival of life. Yes.